नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको बेसिस, जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसका कुछ बेसिक्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Little do you know, I'm still haunted by the memories. एक साइंटिस्ट हैं आर्हेनियस, जिन्होंने ये कहा था कि अगर बेसिस को पानी में डालें तो हमें मिलता है क्या, OH- आयन। लिखते हैं इसको, तो हमने लिख लिया, वाइल डिजॉल्विंग इन वाटर इट गिव्स OH- आयन। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे NaOH है, KOH है। देखिए, NaOH को हमने ब्रेक किया तो बना क्या, Na+ आयन प्लस OH- आयन। और ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा था कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक H+ कैटायन को एक्सेप्ट करता है। तो देखिए, एक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ कैटायन को क्या करता है, एक्सेप्ट। अब एक बात बताइए, प्लस को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? प्लस को वही तो एक्सेप्ट करता है जिसके पास माइनस हो, क्योंकि जब माइनस में जब प्लस मिलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस मिलकर जीरो हो जाएगा, H2O बन के तैयार हो जाएगा। अब बेसिस के जो है वो बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या होता है, जब हम पानी में डालेंगे किसी बेस को और खूब ज़्यादा मात्रा में स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि खूब ज़्यादा मात्रा में हमें OH- आयन मिल जाएगा, तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और अगर कम मात्रा में मिलता है तो उसको कहते हैं वीक बेस। तो ज़्यादा OH- आयन कौन देता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और कम OH- आयन कौन देता है, वीक बेस। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH इसका एग्जाम्पल है, KOH इसका एग्जाम्पल है, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस अगर हम देखें तो NH4OH भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है, और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो भी 7 से ज़्यादा होती है। जो माल्टेन स्टेट होती है, माल्टेन मतलब गली हुई अवस्था, उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। और लैब में जो रेड लिटमस पेपर होता है उस पर अगर हम बेस को डालेंगे तो ये इसको ब्लू कर देगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल की जब बेस से रिएक्शन होगी, कोई एक मेटल का नाम बताओ, जैसे जिंक हो गया, और अगर बेस का नाम आपसे पूछें तो आप कहेंगे NaOH हो गया, क्या बनेगा, तो इसके 2 लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड बन के आता है वो है Na2ZN और साथ में O2, और प्लस क्या बनता है, H2, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। अब अगर आपके पास कोई दिया है नॉन मेटल और उसकी रिएक्शन करानी है बेस के साथ तो कैसे कराएंगे? देखिए, कोई नॉन मेटल का नाम बताइए। नॉन मेटल वो होता है जो गैसेस होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, प्लस इसमें कोई बेस मिला दो, जैसे हम मिला देते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बन के क्या तैयार हो जाता है, Ca, और यहाँ से CO और यहाँ से O, यानी कि CaCO3। अभी यहाँ पे बचेगा H2 और Ao, यानी कि H2O, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बेस और एसिड की अगर रिएक्शन हो, कोई एक बेस का नाम बताइए, जैसे हमने ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड ले लिया जैसे HCl ले लिया, रिएक्ट कराइए, तो Na के साथ Cl रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl, और H के साथ OH मिलेगा तो बन जाएगा H2O, सोडियम क्लोराइड ये है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।